अस्सलाम वालेकुम। आज दिखाते आबा आर्ट स्ट्रीट। ये देखिए हम लोग का जहांगीर भाई किधर आए भाई। इधर हम आभा में हैं, ये इसको कहते हैं द आर्ट स्ट्रीट। ये बहुत ही एक्साइटेड प्लेस है और बहुत सारे लोग देखने को आते हैं। आभा का एक अट्रैक्शन है, इसमें लाइटें हैं और बहुत सारे खूबसूरत गार्डन्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू। तो हम लोग आभा आए अभी आर्ट ग्लारी पे घूमने के लिए आए। आप लोगों का भी शेयर कराता हूँ, मेरा साथ रहिए। बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों को तो पता चल गया ये जगह आभा आर्ट स्ट्रीट है। तो ये बता रहा हूँ कि जो भी अगर कोई घूमने गया आभा और आर्ट स्ट्रीट पे नहीं गया तो कुछ भी नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अभी थोड़ा कोरोना की वजह से गार्डन्स और ये सब बंद है, लेकिन फिर भी रात को जाइएगा आप लोग। रात को बहुत ज़्यादा लाइटिंग रहता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, देखने लायक है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको नहीं लगेगा ये सऊदी अरब का नज़ारा आप देख रहे हैं, जैसे कोई यूरोप कंट्री पे आ गए ऐसे लगता है। बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ एक कल्चर है फूलों का। आप लोग देखे फूलों का गेट बना हुआ है, ऐसे ही एक फूल का माला बिकता है सर पे लगाने के लिए, सब सर पे लगा के घूमते हैं। और बहुत सारी चीज़ है, कल्चरल चीज़ें देखने के लिए मिलता है वहाँ। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, मैं और क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन कोई भी अगर गए आभा तो जाइएगा ज़रूर घूमने के लिए आर्ट स्ट्रीट पे, लेकिन रात को जाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो लोग सऊदी अरब में हैं वो लोग को तो पता है आभा में जाने के बाद होटल में सीट्स नहीं मिलता है, इतना फुल रहता है। तो हम लोग रुके खमिशों शायद थे, तो वहाँ से डेली जा रहे थे, गाड़ी तो था साथ में, इसलिए दूर रुके हम लोग। और हम लोग का टाइमिंग थोड़ा, हम लोग जल्दी चले गए इसलिए रात का व्यू आप लोगों को दिखा नहीं पाया। बहुत ही खूबसूरत रात का व्यू होता है, मैं दूर से देखा था रात का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लगा, लेकिन वीडियो बना नहीं पाया। गाड़ी से जा रहा था तो देखा दूर से ये तो आर्ट स्ट्रीट का लाइटिंग हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और वीडियो पे बने रहिए। आगे चल के आप लोगों को ये शॉपिंग जैसा मेला पे लगता है, एग्जीबिशन पे शॉप्स लगते हैं, जैसा बहुत सारे शॉप्स है और सऊदी कल्चरल कुछ ख़रीदने चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट है ये सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, राज इंडियन रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप से, गावा शॉप से, बहुत सारे चीज़ें हैं उधर एंजॉय करने के लिए। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिए। और जो सऊदी के बाहर से देख रहे हैं वो लोग तो मज़ा ले सकते हैं बस। और जो मैं बता रहा हूँ जो सऊदी का अंदर है और आभा नहीं गए, तो आभा जाने के बाद कम से कम आर्ट स्ट्रीट पे जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इस तरह मेरा वीडियो आप लोग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का कमेंट्स भी करके क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कोई प्रोफेशनली ये चैनल शुरू नहीं किया, ऐसा शौक से किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सपोर्ट से मुझे भी
बहुत अच्छा लग रहा है यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हो, आप लोग इतना प्यारा कमेंट्स देते हैं। सलाम वालेकुम। कहाँ है? हम लोग आबा में आया हूँ माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जगह है। कैसा लग रहा है? बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, मौसम भी बड़ा अच्छा है, पब्लिक बहुत आए हुए थे, कितना भीड़ है माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, दिल खुश हो गए। थैंक यू। जैसे आप लोग अभी सामने देख रहे हैं पेड़ पे लाइट जल रहा है, तो ये रात को ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है, और ऊपर भी नेट जैसा लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये भी लाइट है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है रात का, इसलिए रात को जाइएगा आप लोगों, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अभी अभी न्यूज़ पे तो आया है आसिफ टूरिज्म, ये टूरिस्ट तो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्योंकि ये जगह ही बहुत खूबसूरत है और मौसम तो बहुत ही बेहतरीन मौसम है, जहाँ रियाद में 50 डिग्री वहाँ 10-12 डिग्री रहता है, और ठंडी का टाइम पे तो उधर स्नो गिरता है। इंशाल्लाह ठंडी का दिन भी जाऊँगा कभी तो आप लोगों को दिखाऊँगा। आप तो पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ऐसे ही भी बहुत सारा प्यार दे रहे आप लोग, प्यारा प्यारा कमेंट दे रहे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। और कोई भी अगर नया चैनल खोलना चाहते हैं तो खोलिए, जल्दी करिए आप लोग, आप लोग मेरा तरफ देखिए, मुझे कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरा वॉइस भी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग के पास इतना टैलेंट है, अच्छे से कैमरा भी कर नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर भी कर रहा हूँ, और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, तो इस तरह जो भी शुरुआत नहीं किए शुरुआत करिए आप लोग, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएंगे। और शुरुआत करिए, शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होएगा, ये शुरुआत करिए। आर्ट स्ट्रीट पे ये शॉप से जैसा एग्जीबिशन पे लगता है ऐसा शॉप्स लगे हैं। अब वीडियो समाप्त होने वाला है, तो मैं भी विदाई लेता हूँ आप लोगों से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कमेंट्स दिए, इतना प्यार दिए, इतना सपोर्ट दिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आगे जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।